हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम IRCTC ऐप लॉगिन करके हम जो है अपना टिकट बुक करेंगे ऑनलाइन। सो गाइस चलिए IRCTC ऐप हम लॉगिन कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने इसका जो है आईडी बना रखा है, तो मैं ऑलरेडी यहां पे लॉगिन कर लिया हूं। तो आप लोग देख सकते हो मेरा लॉगिन हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइज, यहाँ पे आपको ट्रेन का लोगो दिखेगा। ट्रेन के लोगो पर क्लिक करने के बाद बुक टिकट, उस पर क्लिक कर लेना है। अब गाइज यहाँ पर देख सकते हैं मैं ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया हूँ स्टेशन समस्तीपुर टू भागलपुर। तो मुझे 16 जून को जाना है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर देख सकते हो गाइज स्लीपर का टिकट अभी खाली है, अभी दिख रहा है अवेलेबल है। तो चलिए हम स्लीपर को सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीका से। स्लीपर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गाइज आपको कस्टमर जो जाएंगे पैसेंजर डिटेल्स फिल करना है। चलिए पैसेंजर डिटेल्स को हम फिल कर लेते हैं। नाम यहाँ पे एज पूछा जाएगा और जेंडर पूछा जाएगा, और नेशनैलिटी में इंडियन तो है ही, और बर्थ प्रिफ्रेंस में आप जो चाहेंगे वो डाल सकते हैं, अपर लोअर साइड लोअर जो भी डालना है वो डाल सकते हैं। तो चलिए हम कुछ इस तरीका से अपना फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बर्थ प्रेफरेंस में हम डाल लेते हैं। तो कुछ इस तरीका से आप लोग भी अपना जो है बर्थ प्रेफरेंस डाल लीजिएगा ऐसे। तो चलिए नीचे हम इसको क्या करते हैं, ऐड पैसेंजर पर क्लिक करके फिर से एक और ऐड करना है पैसेंजर। तो कुछ इस तरीका से हम ऐड कर लिए दोनों पैसेंजर। उसके बाद गाइज यहाँ पर नीचे में आपको क्या करना है, सिंपली से पैसेंजर का मोबाइल नंबर फिल करना है। एक्चुअली उसी पे मैसेज आएगा, तो मोबाइल नंबर मैंडेटरी है फिल करना। तो चलिए हम पैसेंजर का मोबाइल नंबर फिल कर लिए। उसके बाद गाइज यहाँ पर क्या करना है कि आपको पेमेंट किस थ्रू करना है, UPI या नेट बैंकिंग। तो गाइज मुझे करना है UPI के थ्रू, और UPI के थ्रू करेंगे तो यहाँ पे आपको चार्जेस भी कम पड़ेंगे और नेट बैंकिंग थ्रू थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। तो चलिए रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक कर देते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा कुछ इस तरीका से। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं सारा डिटेल्स वगैरह यहाँ पर आ जाएगा टिकट का। अब यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं आपको अमाउंट भी शो कर रहा होगा, 332.5 पैसा ये जो है अमाउंट है मेरा। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रोसीड टू पे, इस पर सिंपली से क्लिक कर देना है कैप्चा फिल करने के बाद। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अलर्ट का मैसेज आएगा, तो इसे आप रीड कर सकते हैं। तो चलिए हम यस कर देते हैं। यस करने के बाद गाइज कुछ इस तरीका से जो है पेमेंट मेथड जो है खुल के आ जाएगा। पेमेंट मेथड में हमने सेलेक्ट कर रखा था UPI, तो UPI पे क्लिक कर देंगे। और UPI पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे UPI पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे, जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, बहुत सारे आ जाएंगे। तो मैं अपना फ़ोनपे जो है सेलेक्ट कर लिया हूँ। फ़ोनपे पे सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना फ़ोनपे नंबर डाल करके OTP इसमें डाल करके लॉगिन हो जाना है सिंपली से। तो इस पे लॉगिन होने के बाद गाइज यहाँ पर देख सकते हैं OTP आ गया, मैं यहाँ पे OTP डाल के लॉगिन हो जाता हूँ। कुछ इस तरीका से जो है आप लोग भी गाइज फ़ोनपे लॉगिन हो जाना है। अब जो है यहाँ से आपको पेमेंट करना है। तो गाइज चलिए हम पेमेंट कर लेते हैं, और पेमेंट करके आगे हम आपको दिखाते हैं मेरा टिकट बुक हो गया। गाइज यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट रिक्वेस्ट भेज दिया गया है, तो आपके फ़ोन पे एप्लीकेशन पे जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा कुछ इस तरीका से। तो पॉपअप आ गया, इस पर हम क्लिक करेंगे और अपना जो है पेमेंट हम कर देंगे कुछ इस तरीका से। तो पेमेंट करने के बाद गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीका से आपको यहाँ पे ब्लैक शो हो रहा होगा, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है और यहाँ प्राइवेसी रीजन है। तो एक्चुअली यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो है पेमेंट हो गया है सक्सेसफुली। तो यहाँ पर गाइज देख सकते हैं मेरा टिकट भी बुक हो गया। आप चलते हैं IRCTC पेज पे। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं IRCTC पेज पे आने के बाद यहाँ पे मेरा जो है टिकट बुक हो गया और सीट भी अलॉट कर दिया गया है। कुछ इस तरीका से गाइज आप लोग भी अपना टिकट बुक कर सकते हैं IRCTC ऐप से। तो ये काफ़ी अच्छा ऐप है और काफ़ी क्विक काम करता है। बस यही आपको ध्यान रखना है कि इस पे टिकट अवेलेबल हो तभी आप टिकट बुक करना, अन्यथा नहीं करना। अगर लग रहा हो कि ये टिकट जो है कंफर्म हो जाएगा तभी आप लोग ये टिकट बुक करना। सो गाइज आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और गाइज इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।